नमस्कार, सिलसिला जारी है ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। वी आर बैक एंड टुडे वी आर बैक विद द ओल्ड सेगमेंट, वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट्स ऑफ लॉट मेनी फ्रेंड्स फॉलोअर्स एंड फैंस। फिर वही कहानी याद आई, एक वेरी इमोशनल स्टोरी, प्रीतम कोटाल की जबान से, प्रीतम कोटाल के लाइफ से। नेशनल टीम डिफेंडर, करेंटली एज वी स्पीक प्लेइंग फॉर केरला ब्लास्टर्स। वर्सेटाइल डिफेंडर है, बहुत सारे पोजिशंस में खेल सकते हैं। और यह कहानी दोस्ती, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिला के बिटवीन प्रीतम कोटाल एंड इज आइडॉल द वन एंड ओनली सुब्रतो पॉल, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने टाइटल दिया था स्पाइडरमैन, परहैप्स द ओनली इंडियन फुटबॉलर जिसको इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनिकली परफॉर्मेंस के वजह से एक टाइटल दिए थे। तो यह कहानी प्रीतम कोटाल एंड सुब्रतो पॉल को लेकर है, बहुत ही इमोशनल कहानी, पूरा प्लीज सुनिएगा। जैसे आप हम लोग को सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोग का मैसेजेस, आप लोग का फीडबैक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। और प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज जितने सारे आप लोग का दोस्त है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सभी को स्प्रेड करिए न्यूज एंड खबर ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब बोल दादा बोल, बिकॉज ये हमारी नहीं है, आपकी यूट्यूब चैनल है, आपका ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो कहानी ये है कि प्रीतम कोटाल जब छोटे थे, तब वहां पे उसकी एकदम मोहल्ला में प्रैक्टिस करने आता था सुब्रतो पॉल। सुब्रतो पॉल उस समय नेशनल टीम स्टार है, सुब्रतो पॉल उस समय स्पाइडरमैन बन गया है, और प्रीतम कोटाल एक बडिंग फुटबॉलर है। और सुब्रतो पॉल जब आता था, प्रीतम कोटाल का मींस एकदम वो फैन बॉय मोमेंट था कि मिश्रुदा, सुब्रतो का निकनेम है मिश्रु, मिश्रुदा आज आ रहा है। तो प्रीतम बोलते थे जहां पे हम लोग ट्रेनिंग करते थे सुब्रतो, वहां पे मिश्रुदा, वो कभी सुब्रतो नहीं बोलते, हमेशा मिश्रुदा बोलते हैं। तो बोलो मिश्रुदा वहां पे सेम ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते थे, और हम एक दिन पहले हम पता करते थे क्या कल मिश्रुदा आएगा, कल मिश्रुदा आएगा ट्रेनिंग करने के लिए। और प्रीतम कोटाल और उनका पार्टनर इन क्राइम था इस पे नारायण दास, अनदर नेशनल टीम डिफेंडर, उन लोग क्या करते थे, वेट करते थे कि कब सुब्रतो आए वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए। उस समय सुब्रतो ट्रेनिंग करता था मिस्टर देवाशीष मुखर्जी के अंडर। देवाशीष दा, एज ऑल ओल्ड टाइमर्स वुड बी नोइंग, इज अनदर फॉर्मर इंडिया गोलकीपर, 80s में आपका प्राइम में खेला था, द ओनली गोलकीपर उस टाइम पे जो कोलकाता लीग में टूर्नामेंट खत्म किया था विदाउट कंसीडिंग ए गोल। रिफ्लेक्सेस देवाशीष दा का बहुत अच्छा था, बहुत सारे वेरी क्रूशल मैचेस खेले थे डोमेस्टिक फुटबॉल पे, इंटरनेशनल फुटबॉल पे। तो देवाशीष दा के साथ सुब्रतो का एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है। वो क्या है, देवाशीष दा इज सुब्रतोस फादर इन लॉ, और सुब्रतो को जो ट्रेनिंग और कोचिंग मिला है वो हमेशा देवाशीष दा से ही मिला है। आज के दिन पे भी सुब्रतो को कोई भी प्रॉब्लम होता है, अभी प्रैक्टिस फिर भी करते रहते हैं, सुब्रतो देवाशीष दा के पास गया है। इवन व्हाइल वाइज प्लेइंग इज प्राइम, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टीज, कोई भी आपकी फीडबैक के लिए सुब्रतोस गो टू मैन, मैन फ्राइडे वॉज देवाशीष दा। प्रायर टू ईच एंड एवरी मैच उनका ये रिचुअल था सुब्रतो का कि वो देवाशीष दा से एक बार फोन पे बात करे, ये उनका लकी चार्म था। तो कहानी ये जाता है कि सुब्रतो यानी कि मिश्रु जब आता था वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए उत्तरपारा पे, प्रीतम कोटाल यूज टू बंक स्कूल टू वॉच जस्ट सुब्रतो पॉल ट्रेन। बोले दे हम लोग स्कूल के नाम पे तो निकलते थे घर से, लेकिन देखते थे अरे मिश्रुदा का गाड़ी आके वहां पे खड़ा है। बोलो उस दिन तो गया स्कूल तेल लेने, हम तो जाना ही नहीं है, हम चुपचाप वहां पे जाके बैठ जाते थे, दूर से देखते थे कि सुब्रतो कैसे ट्रेनिंग कर रहा है, सुब्रतो कैसे खुद को कैरी कर रहा है। बोला और मैं वो गाड़ी से, सुब्रतो का गाड़ी से अंदर पीप करके देखता था और सोचता था कि अरे काश मुझे भी ऐसे एक दिन कोई गाड़ी मिल जाएगा, मैं भी एक दिन ऐसे गाड़ी ड्राइव करूंगा। आज प्रीतम कोटाल के पास सब कुछ है, जैसे लोग कहते हैं आपके पास क्या है, गाड़ी है, बांग्ला है, माँ है, हर किसी का आशीर्वाद है, प्रीतम कोटाल के पास प्यार है। लेकिन उस दिन का वो बच्चा प्रीतम कोटाल के आंखों के सामने उनका फैन बॉय मोमेंट था सुब्रतो पॉल को ट्रेनिंग करते देखते।
सिर्फ ट्रेनिंग करना नहीं, वो लोग हेल्प भी करते थे, मदद भी करते थे। क्या मदद? बोलो सुब्रतो क्या करता था? सुब्रतो वहां आके पानी फेंकते थे ग्राउंड पे, कि वो स्लिपरी ग्राउंड पे बॉल थोड़ा फास्ट आए तो उनको मीन्स ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ी सी वो चैलेंजिंग मोमेंट को खुद को चैलेंज करते थे, तो उसके लिए पानी मारना पड़ता था। उस जमाना मिड 2000 अर्ली 2010 2011 ये नहीं कि स्प्रिंकलर्स हर कोई ग्राउंड पे हुआ करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कहते हम लोग का देश पे उतना है नहीं, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है और इसके बारे में हम लोग का बहुत जल्दी एक एपिसोड आ रहा है। बहुत सारे टेक्निकल टीम कहते रहते हम लोग का देश में इंफ्रा नहीं है। अरे भाई साहब, हम लोग के देश में जो इंफ्रा है, बहुत सारे कंट्रीज इन एशिया में और अफ्रीका में उसका 2% और 10% इंफ्रा भी नहीं है। तो इट्स जस्ट ए काइंड ऑफ ए लेम एक्सक्यूज कि हम लोग को इंफ्रा नहीं मिलता तो हम लोग को परफॉर्मेंस नहीं होता। जहां से अफ्रीका से लोग जाके यूरोप में खेलते, चैंपियंस लीग खेलते, वर्ल्ड कप खेलते, वहां पे क्या है? बैरन लैंड होता है। तो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई सी कि इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा आज के दिन पे इंडिया में बहुत अच्छा है, बट हम जब बात कर रहे हैं उस समय का इंफ्रा थोड़ी सी कमी था। तो स्प्रिंकलर्स ग्राउंड पे नहीं था, पाइप भी नहीं था जहां से ग्राउंड को वहां पे पानी दिया जाए। तो सुब्रतो क्या करता था? सुब्रतो खुद ही बाल्टी में पानी भर के वहां पे पानी स्प्लैश करता था। प्रीतम कोटाल छोटा सा लड़का, छोटा सा बच्चा, देखते थे मेरा हीरो आंखों के सामने पानी फेंक रहा है, मैं भी उनको मदद करूं। उतना बड़ा बाल्टी सुब्रतो दो बाल्टी हाथ में लेके आ जाता था। प्रीतम कोटाल उस समय छोटा, 6-7-8 मीन्स क्लास 8 पे पढ़ रहा है, 6-7-8 पे पढ़ रहा है, तो उसको वो पानी वहां पे फेंकना, दो बड़ी बाल्टी लाना मुश्किल था। तो एक बाल्टी आधा आधा करके वो फेंकता था, और उसका अगेन पार्टनर इन क्राइम था कौन? नारायण दास। और दोनों दूर से बैठ के वहां पे देखते थे सुब्रतो का ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग हो जाने के बाद, सुब्रतो थोड़ी पागल किस्म का आदमी है इन द सेंस की ट्रेनिंग पे सुब्रतो को आपको खींच के बाहर ले जाना पड़ता था कि आप ट्रेनिंग खत्म हो गया भाई साहब घर चलो, क्योंकि सुब्रतो को ग्राउंड दे दो वो पागल हो जाता है। अभी भी इस उम्र पे भी पागल हो जाता है कि पूरी दिन ट्रेनिंग ही करते रहे। जब पूरी ट्रेनिंग सेशन खत्म, देवाशीष दा का ट्रेनिंग खत्म, सुब्रतो एक्सपेक्टेड कुछ लोगों का जो बाकी वहां पे लोग ट्रेनिंग करते थे, देवजीत मजुमदार भी कभी कभार वहां पे गोलकीपर विथ मच एकॉम्प्लिशमेंट वहां पे प्रैक्टिस करता था, तो उनसे भी सुब्रतो थोड़ा शॉट मारवाते थे कि यार ठीक है मेरी थोड़ी शॉट सेविंग का भी प्रैक्टिस हो जाए। दैट वॉज द मोमेंट वॉट प्रीतम कोटाल एंड नारायण दास यूज टू वेट फॉर। वो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, दौड़ के जाते थे और सुब्रतो को बोलते थे मिस्टर दा हम भी थोड़ा दो तीन शॉट मारे। बोले बिल्कुल मारो, सुब्रतो को तो और बेच मीन्स एकदम ऊपर से मिल गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस मिल गया है कि अरे चलो ये दो बच्चा भी मुझे टायरलेसली शॉट मार रहा है, सुब्रतो भी टायरलेसली प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ये रेगुलर चलता था। प्रीतम कोटाल और नारायण दास रेगुलर, नारायण नहीं आता था क्योंकि उनका घर प्रीतम कोटाल से थोड़ा काफी दूर था, बट प्रीतम रेगुलर था। और प्रीतम का घर पर यह कभी पता नहीं चला कि प्रीतम कोटाल स्कूल बंक करते थे सुब्रतो पाल का ट्रेनिंग सेशन देखने के लिए। प्रीतम को क्या मिला इससे? बोलो उस टाइम पे सुब्रतो हम लोग के साथ आके बात करता था, यही हम लोग के लिए बहुत सारा बात था, मींस बहुत सारे मींस इट वाज मींस यही बहुत बड़ी चीज था हम लोग के लिए कि सुब्रतो पॉल आके हमारे साथ बात कर रहे। तो नाम की, तो द नाम की कोडीश मींस क्या करते हो, कौन क्लास है पुरीश, किस क्लास में पढ़ते हो भाई, आज तुम स्कूल नहीं गए, क्यों स्कूल नहीं गए? नहीं स्कूल जाना चाहिए मेरा ट्रेनिंग सेशन के लिए, प्लीज तुम स्कूल बंक मत करो। अरे मिस्टर दा ठीक है। तो आफ्टर 2-3 डेज ये रेगुलर कस्टम बन गया था कि सुब्रतो उन दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता था। उस गिफ्ट का क्या क्या वैरायटीज था उसमें, कभी चॉकलेट मिल जाता था, कभी रसगुल्ला मिल जाता था, कभी मिष्टी दोई मिल जाता था। और पूछते थे क्या चाहिए आपको, क्या पसंद करते हो। कभी कवर सुब्रतो गाड़ी में बिठा के उन लोग को लेके आफ्टर द प्रैक्टिस लंच करवाने ले जाता था। उन दोनों को हाथ में स्वर्ग मिल गया था। क्या रे सुब्रतो पॉल वो एशिया फेमस, जो इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर्स ऑफ ऑल अक्रॉस ऑल जेनरेशन है, वो हमको हमारा ड्रीम सपने का गाड़ी में, सपना का गाड़ी में बिठा के जाके रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे। और सुब्रतो का ये हमेशा कैरेक्टर रहा है, सिर्फ सुब्रतो को नहीं, ऑल द नेशनल टीम प्लेयर्स और फुटबॉलर्स इन इंडिया
जो कि अकॉम्प्लिश्ड फुटबॉलर्स है, पास्ट प्रेजेंट और ये लीगेसी कंटिन्यू रहेगा, उन लोग का ये दिलदार जो ये जो एटीट्यूड होता है बच्चों के लिए, फैंस के लिए, हर हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। शायद आप लोग को पता नहीं है कोविड सिचुएशन में जब पूरी दुनिया बंद पर आता, कैसे हम लोग का फुटबॉलर्स आगे जाके कैसे समाज को सेवा किया था, ये कहानी भी बताएंगे आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे, आपकी प्लेटफॉर्म है बोल दादा बोल। तो सुब्रतो ऐसे उन लोग को गिफ्ट देते थे, छोटी छोटी गिफ्ट, वही बहुत बड़ी चीज था उन दोनों बच्चों के लिए। और प्रीतम का ये बात बोलते बोलते प्रीतम रो दिया, आंख में आंसू आ गया मुझे ये कहानी बोलते हुए। और इन रियलिटी प्रीतम एक्चुअली क्राइड, क्योंकि जिस दिन प्रीतम कोटाल का नेशनल टीम डेब्यू हुआ था इंडिया वर्सेस नेपाल इन गुवाहाटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे अंडर कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उस दिन का नेशनल टीम कैप्टन आर्मबैंड पहना वाला टीम को लीड करने वाला सुब्रतो पॉल था। प्रीतम कहता है ड्रेसिंग रूम में जब मिष्टुदा वहां पे सामने टीम को रेडी करके हम सभी लोग जा रहे, हडल हो गया, बोले मिष्टुदा को मैं पीछे से जाके एक झप्पी मारा और बोला मिष्टुदा हमें याद है कि उस दिन मैं आपको देखता था, सपना था कि मैं भी एक दिन आपकी जैसा इंडिया खेलूं, आपसे इंस्पिरेशन मिला था, आपसे देखा था कि कैसे हमको कैरी करना है ऑफ द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड, कैसे डिसिप्लिन को अपने अंदर एनवेलप करना है, खुद के एनवेलप करनी है डिसिप्लिन के अंदर, क्या खानी है, कैसे लोगों से बिहेव करनी है, किस एटीट्यूड पे बनना है। और आप दोनों को, दोनों प्लेयर का यदि एटीट्यूड देखिएगा, डाउन टू अर्थ, कोई बातचीत नहीं, कोई शूशाबाजी नहीं, सिर्फ खेलना, काम करना, वापस आ जाना। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सुब्रतो पॉल एक ह्यूज इन्फ्लुएंस था प्रीतम कोटाल के ऊपर में। और प्रीतम कहा कि मैं वहां से उसको एम्ब्रेस किया, हक किया और मेरे आंख में आंसू आ गया कि जिस बच्चा के सामने सुब्रतो पॉल प्रैक्टिस करता था और मेरा एज ए किड मेरा जो सपना था टू प्ले फॉर इंडिया, आज मैं खेल रहा हूं, मेरा पहला नेशनल टीम डेब्यू, सीनियर टीम डेब्यू मिल रहा है और मेरा कप्तान कोई नहीं है, वो बंदा है जिसको मैंने प्रैक्टिस पे मदद किया था, और उससे बड़ी चीज जो मेरी मोहल्ला में आके प्रैक्टिस करता था उसके प्रैक्टिस देखने के लिए मैं अपना स्कूल बंक करता था। बोले मेरे लिए इससे बड़ा इमोशनल मोमेंट और वापस का मीन्स to get back something and get inspired to give back something to the society isse bada kuch nahi tha. India won that match 2-0. Both the players went on to play the next match, away match in Nepal, which ended goalless, and we qualified into the second round of the World Cup qualifiers 2015, jahan pe hum log ke group mein Turkmenistan, Oman, Guam, India and Islamic Republic of Iran. प्रीतम कोटाल आज के दिन पे एक accomplished, dependable डिफेंडर है। As much सुब्रतो पॉल will always stay one of the brightest ever stars of Indian football. Down to earth, exceptional human beings, but ये emotional story है। ऐसे story आप लोगों को हजारों मिलता रहेगा, regular बोलते रहेंगे, हम भी थकेंगे नहीं ऐसे story बोलने में, क्योंकि ये अपना own storytelling platform है, आपका storytelling platform है बोल दादा बोल। इजाजत दीजिए, आज यहां तक ही, फिर आएंगे और सिलसिला एज वी से जारी रहेगा। द शो विल गो ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज नीलांशु दत्ता, थैंक यू।